पिछले महीने 20 अगस्त को सुबह एक लॉरी को हाईजैक करके उस लॉरी में जो 647 सिगरेट के कार्टन थे वो कार्टन एक गैंग ने चुरा लिए और ड्राइवर को मारपीट की करके हमारे हयात नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आया था। उस कंप्लेंट को चलते हुए तरुण जोशी हमारे जॉइंट कमिश्नर क्राइम, हमारे डीसीपी एलबी नगर के वेंकटेश्वर राव, एडिशनल डीसीपी क्राइम जानकी मैडम, इंस्पेक्टर हयात नगर नरेंद्र गौड़, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर चलपति, सीसीएस इंस्पेक्टर राजशेखर, एसओटी इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर लू और उनके साथियों ने इमीडिएटली इस क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए कोशिश जारी की। हमारे स्टेट में और हमारे बाजू के आंध्रा स्टेट में भी पूरे टोल गेट्स वगैरह चेक करके सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल फोन्स के का इंफॉर्मेशन ये सब एक्सेप्ट करके बाद में एनालिसिस करने के बाद मालूम हुआ कि इन लोगों ने जो व्हीकल्स यूज किए इसमें एक मध्य प्रदेश का इनोवा व्हीकल है, उस व्हीकल नंबर को हमने ओनर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे टीम जो है वो एक कंजर गैंग जो मध्य प्रदेश देवास जिला से बिलोंग करता है वो गैंग तक पहुंच गया। इस गैंग के मुख्य सूत्रधार है राजन और मनोज सिसोदिया। तकरीबन 24 लोग इस केस में पार्टिसिपेट हुए, अपने साथ में लॉरी लेके आए थे, अपने साथ में इनोवा व्हीकल लेके आए थे। आईटीसी कंपनी मुशराबाद से जब लॉरी लोड हुई सिगरेट की, उस लॉरी को चेस करते करते हयात नगर लिमिट में पैदाम्बरपट के पास इन लोगों ने लॉरी रोकी और एक घंटे के अंदर ड्राइवर को पिटाई करके उसको बांध के लॉरी में जो माल था वो अपने गाड़ी में शिफ्ट किया और उसके बाद फोन स्विच ऑफ करके ये लोग यहाँ से निकल गए, ज़्यादा सीधा इंदौर और देवास पहुँच गए। पिछले 20 दिन में तकरीबन 15 दिन हमारे पुलिस टीम के इंस्पेक्टर्स और टीम तकरीबन 30 लोग वहाँ देवास एरिया में थे और लोकल पुलिस का हेल्प लेके उन्होंने एक केस डिटेक्ट किया। 4 लोग हमने हिरासत में लिए हैं, उनका नाम है राजा राम, सुनील चावड़ा, राजा बाबू और हकम सिंह। ये चारों भी देवास मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके पास से हमने 4 लॉरीज बरामद किए जिसमें 2 महाराष्ट्र पासिंग और 2 एमपी पासिंग किए, जो 4 करोड़ वर्थ सिगरेट इन्होंने चुराए उसके लिए अभी भी हमारा तलाश जारी है और 20 लोगों को हमें पकड़ना है। ये जो गैंग है, ये गैंग ने इससे पहले गुजरात स्टेट में पेस्टिसाइड लॉरी, महाराष्ट्र अहमदनगर में सिगरेट लॉरी और कर्नाटक में भी कुछ ऑफेंस किए हुए। बहुत ही ऑर्गेनाइज ऐसा गैंग है कि जो पीछे कोई एविडेंस ना छोड़ते हुए अपने क्रिमिनल एक्ट करते रहते हैं लोग। तो ये गैंग को डिटेक्ट करना एक बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंज एक्सेप्ट करके केस डिटेक्शन में हमारे लोग कामयाब हुए हैं। बाकी लोग भी हम लोग जरूर उनको पकड़ेंगे।
इस अच्छे काम के लिए ये पूरे टीम को मैं अभी कैश रिवार्ड देने वाला हूँ। थैंक यू।